दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक इंपॉर्टेंट मुगल रूलर के कब्र के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है? मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर अकबर की। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि साल 1669 में मथुरा के एक जाट जमींदार गोकुल औरंगजेब के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्सेस को देने से मना कर दिया, और इस विद्रोह को कर्व करने के लिए औरंगजेब ने अब्दुल नबी खान को फौजदार बना करके मथुरा भेजा। बट जाट लीडर गोकुल ने अब्दुल नबी खान को जान से मार डाला, और इस चीज के रिवेंज में औरंगजेब ने एक काफी क्रूर जनरल हसन अली खान को फौजदार बना करके मथुरा भेजा। फाइनली हसन अली खान ने जाट लीडर गोकुल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और हिंदुओं के इस विद्रोह को कर्व करने के लिए मथुरा में स्थित केशव राय टेम्पल को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, और उसकी जगह पे एक मस्जिद का निर्माण किया गया। अकॉर्डिंग टू वेनेटियन राइटर निकोलो मनुकी, इस इंसिडेंट के ठीक 12 साल के बाद सन 1688 में नेक्स्ट जाट लीडर राजा राम और रामचेरा ने गोकुल की हत्या और इस मंदिर को तोड़े जाने का बदला लेने के लिए फतेहपुर सिकरी में मौजूद अकबर की टूम को यानी कब्र को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, और अकबर की कब्र से उसकी हड्डियों को निकाल करके उसे जला दिया गया। इसीलिए अकबर की कब्र के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है।